डैन बिल्जेरियन, एंड्रू टेट्स, जितने भी बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कभी आपने देखा है कि वो स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं? बड़ा ही रेयरली ऐसा होता है, लेकिन वो हमेशा से ट्रेडिशनल वॉच ही पहनते हैं। ऐसा क्यों? इनमें क्या खास बात है, क्या फर्क है दोनों में, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला फर्क आ जाता है लुक, फील। जो एक क्लासी लुक हमको ट्रेडिशनल वॉच में मिलती है, वो कभी भी स्मार्ट वॉच में नहीं मिलती। बेशक से काफी सारे लोगों को ये वहम है कि स्मार्ट वॉच पहनने से मैं स्मार्ट बन जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल वॉच में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, डिजाइंस एंड कलर्स हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच में क्या ही है। आप उसके साइड के ये चेंज कर देंगे, फीते वगैरह क्या बोलते हैं इनको, ये चेंज करने के बाद अपने कपड़ों से थोड़ा बहुत मैच कर लेंगे, लेकिन बीच का जो बॉक्स है, जो डिब्बा है, वो तो वहीं का वहीं है ना। ट्रेडिशनल वॉच में कोई लिमिट नहीं है पैसों की। कितनी भी महंगी घड़ी आप ले सकते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच का क्या ही है। आई थिंक एप्पल की सबसे महंगी है, 1 लाख तक की, इससे ज़्यादा कोई स्मार्ट वॉच आई थिंक है नहीं। सबसे अलग जो विचित्र बात आपको मैं बताऊं ट्रेडिशनल वॉच के बारे में, कि इसमें एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है इस घड़ी के साथ में। जैसे कि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, वो मूव करते हैं, हाँ कुछ एक्टिव है, एक जिंदा दिल ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये घड़ी काम करती है। वैसे तो दोनों घड़ियों का काम होता है टाइम बताना, लेकिन वो ऐसा उसके साथ में बॉन्ड बन जाता है। लेकिन स्मार्ट वॉच में क्या है यार, सॉफ्टवेयर काम करता है, डिस्प्ले पे देखना है, उसके साथ में कोई बॉन्डिंग कनेक्ट नहीं होती, ऐसा मतलब कोई कनेक्शन बनता ही नहीं। थ्री इडियट्स, आपने देखा होगा करीना अपनी मम्मी की घड़ी पहनती है वहां पे, तो ये बड़ी खास बात बन जाती है कि ट्रेडिशनल वॉच ना एक निशानी बन जाती है। जो भी किसी को गिफ्ट करता है, या फिर माँ अपने बेटे को, पिता अपने बेटे को, बेटी को ऐसे गिफ्ट करता है, उनके लिए देता है, तो वो बड़ी खास बन जाती है। और टाइम के साथ ट्रेडिशनल वॉच जितनी पुरानी होती जाती है ना, उसका फ्लेवर यू ना एक जैसे 90s के जो सॉन्ग्स हैं, एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग्स हैं, उनके जैसे बनता जाता है। जितनी पुरानी होती है उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। लेकिन वही बात करें स्मार्ट वॉच की, तो उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ टाइम के बाद वो आउटडेटेड हो जाती है। 3-4 साल के बाद कोई नई सीरीज, नया वर्जन आ गया, नया डिज़ाइन आ गया, तो उनका मतलब कॉस्ट भी कम हो गई और उसकी जो लाइफ है वो भी कम होती है। मतलब स्मार्ट वॉच में ना अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल वॉच में ऐसा नहीं होता। वो टाइम के साथ ना जैसे महंगी वाइन होती है, ऐसा कुछ काम है उसका। हाँ भाई, फीचर्स के मामले में देखो, डेफिनेटली स्मार्ट वॉच में बहुत सारे फीचर्स हैं, हमारी हार्ट रेट, पल्स, स्टेप्स, कितनी हम चले, कहाँ पे, मैसेजेस वगैरह, GPS, बहुत सारे फीचर्स हैं आई नो, लेकिन इन फीचर्स के लिए यार स्मार्टफोन भी तो है ना। कितने सारे स्मार्ट गैजेट्स को इकट्ठा करोगे अपने पास, मोबाइल को चार्ज करना, एयरपोर्ट्स को चार्ज करना, आप देखो ये स्मार्ट वॉच का भी फंडा आ गया, किस किस को चार्ज करें। लेकिन ट्रेडिशनल वॉच में क्या है कि 2-3 साल के लिए उसमें वो बटन सेल होता है, छोटी सी बैटरी डलवाई, टेंशन फ्री। और काफ़ी सारी ट्रेडिशनल वॉचेज तो पल्स के जरिए या फिर मोशन के जरिए चलती हैं, उनमें बोलते हैं ना कि जैसे चाबी भरनी होती है ऐसा कुछ, तो उनमें सेल डलवाने की भी जरूरत नहीं होती। और ये जो स्मार्ट वॉच के फीचर्स मिलते हैं ना, ये जो हमारी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, हमारा लोकेशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। अब जो भी डिवाइस इंटरनेट से इस दुनिया में कदम रखता है, स्मार्ट वगैरह होते हैं, उनको ट्रैक भी किया जा सकता है, और वो डेटा सिंक होता है सर्वर पे मोबाइल के साथ में, तो हमारी एक तरह से पर्सनल लाइफ है, जो हैबिट्स हैं, वो चीज़ें शेयर हो रही हैं कंपनी वालों के साथ सर्वर पे, इंटरनेट पे। तो ये भी आप मान करके चलो, अगर आप 1% भी रिस्क नहीं चाहते, तो यहाँ पे भी ट्रेडिशनल वॉच ज़्यादा बेटर है। पॉइंट टू बी नोटेड, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। अगर आपको सूट करती है तो आप स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करें, ट्रेडिशनल वॉच को, नॉर्मल वॉच को इस्तेमाल करें, लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही था जो मैंने आपको बताया, और मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेडिशनल वॉच को। अभी करंट में आप कौन सी वॉच इस्तेमाल करते हो कमेंट करके बताओ।